और है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा पहला ब्लॉग अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे मैंने, अगर उसे आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे गांव में आपको दिखाने जा रहे हैं चाचा लोग हैं जो भेड़ को लेके आए हुए हैं, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ढेर सारे भेड़े लेके आए हुए हैं हमारे गाँव में चराने के लिए, आपको भी दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे भेड़े हैं यहाँ पे, और ये चाचा जी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं जो लेके आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? गौर से। कहाँ से? कितना किलोमीटर पड़ेगा? अरे यहाँ से अच्छा गौर यहाँ जो है फिनिश वाला नहीं। हाँ अच्छा, गौर स्टेशन से लेके आए हैं, यहाँ से कम 20-20 किलोमीटर पड़ेगा। जो बड़ी दूर से लेके आए हुए हैं चाचा लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चार लोग हैं जो इतनी सारी भेड़े को देख सकते हैं आप लोग लेके आए हुए हैं। कितने होंगे, कितने लोग, कितने भेड़े होंगे आप लोग देख सकते हैं? 200-300 भेड़े तो होंगे लगता है मेरे को, 200-300 भेड़े होंगे। कितनी सारी भेड़ें यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और रात में बारिश भी हो रही थी, रात क्या अभी थोड़ी देर पहले बंद हुआ बारिश। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग देख सकते हैं हम लोग, कितनी सारी भेड़ें। और इस साइड में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ तिल की खेती की गई है। ये पूरा जो हर साल ये लोग लाते हैं यहाँ पर भेड़ें, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है बारिश की वजह से पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे चराने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ मेरे यहाँ पे जो है बलुई मिट्टी है, जिससे पानी नहीं लगता। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई फिर भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा नहीं हुआ है। कितनी प्यारी प्यारी भेड़ें हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर भेड़े आई हुई हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग चार लोग हैं जो इतनी सारी भेड़ों को ख्याल रखते हैं। और इनके ऊपर कुछ मार्क भी किया गया है, इसलिए इनके ऊपर मार्क किया गया ताकि ये पहचान सके कि हमारी भेड़ी कौन सी है। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कुछ के ऊपर गुलाबी रंग किया गया है, कुछ के ऊपर ब्लू यानी कि नीला कर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, ताकि इन लोगों को पहचाना जा सके अच्छे तरीके से। तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग मैं डेली लाता रहूँगा, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दवा की लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अपना वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, मिलते किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।